यहाँ डेमोक्रेसी है, हर एक को हक है कि वो अपनी पार्टियां बनाए। यहाँ पे कई ऐसी पार्टियां बनी हैं, कोई अपनी है कोई पराई है, ये चल रहा है सिस्टम। कोई सेंटर की माँ पे बन रही है, कोई दूसरे ढंग से बना रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ऐसी पार्टियां जो वोट को तकसीम करने के लिए ये अपना मैनिफेस्टो लेके आई है, तो हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस ऐसी पार्टियों से सावधान रहना चाहिए, ताकि जो हमारा एक वोट है, पहले ही हम बहुत दुखी हैं, सब कुछ हमारा छिन गया है, हमारी शनाख्त छिन गई है, हमारा जहाँ का जम्मू कश्मीर का जो अपनापन था वो सब छिन गया। अब जो बचा खचा है, इस वक्त ज़रूरत है हम इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं। और ये जुल्म करने वाली सरकार जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, मैंने आपको मसाले दी, पानी, बिजली, ये टूरिस्ट रिजॉर्ट जो हैं हमारे, क्या हालत बनी हुई है यहाँ, पानी, चाय, बिजली, कोई चीज़ मुहैया नहीं है, कौन आएगा यहाँ। इस मैं कहता हूँ कि साहब, इस रियासत को, बड़ी खुशहाल रियासत थी, आपने यूटी में बदला, इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है। बिल्कुल सर, एक लोगों में एक नया जोश देख रहा हूँ, एक नई उमंगें देख रहा हूँ, एक नई आशा देख रहा हूँ, और वो आशा उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। आज हर आदमी की यही नगाह है कि यही हमें इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में पीछे क्या कमजोरियाँ रही होंगी, खता हो सकती है, हम इसमें इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आज की मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी वलवला गेस, एक लहर चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है, आपके सामने आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर बीजेपी समझती है कि हम बहुत मजबूत हैं तो इलेक्शन करवाइए ना, क्यों वो डर रहे हैं, खौफ में क्यों हैं, करवाइए इलेक्शन, जिसकी हुकूमत आ जाएगी पता चल जाएगा। तो रहे हैं अपने आप को हर जगह, कश्मीर वैली के अंदर चले जाइए, देखिए पिछली बार चुनाव, लास्ट चुनाव कश्मीर वैली के अंदर हुए हैं DDC के, बीजेपी ने पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को कश्मीर के अंदर झोंक दिया था, उनके मंत्री साहिबान, और पैसा कितना लट किया कश्मीर के अंदर DDC के इलेक्शन में, तो उनको सीटें कितनी मिली, 3 सीटें, 140 में से सिर्फ 3 सीटें मिली। आज भी उनका यही हाल है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है वहाँ पे, बल्कि वहाँ से बीजेपी खत्म हो रही है। और अगर जम्मू सूबे की आप बात करते हैं, तो आप जम्मू की गलियों से ये पूछिए कि साहब आप आपकी बार वोट किसको देंगे, डेली वेजर है, बाल बच्चों समेत सड़कों पे आए हुए। आपने पहली मरतबा सुना होगा कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, जहाँ बच्चों को सिलेक्शन होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ स्कैम हो रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे बच्चे, आप बताइए, ऐसे क्या एग्जाम हुए, टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुए, रिजल्ट क्या निकला। और इस प्रकार से दूसरे जो यहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, जैसे आप देखिए जी, हमारी माइंस, बजरी, रेता, जो 5,000 रुपये रेते का ट्रक मिलता था, आज 30-35,000 में मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। महंगाई आसमान छू रही है, टमाटर कभी सुना था आपने 200 रुपये किलो बिकेगा, कभी सुना है सिलेंडर 400 का 1200 में बिकेगा, कभी सुना है कि इस रियासत के अंदर या पूरे यहाँ जो महंगाई की हालत है वो आपके सामने है, लोग जाएंगे कहाँ।